आमना सामना तो होता ही रहेगा, तो फिर नजरें चुरा के भागना कैसे? जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुमने अपनी मर्जी से लिया था ना। हाय, अच्छा दफा क्या है ना? मैं यहाँ अपने काम से आई हूँ। क्यों, यकीन नहीं आ रहा? क्यों नहीं, ऐसा इत्तेफाक अभी पिछले दिनों हिल स्टेशन पे भी हुआ था ना। मैं अब्राहम साहब से मिलने आई हूँ, फिर चाहो तो कंफर्म कर लो। जिस तरह तुमने वसीम से मेरी इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। जो लोग पीछे चलते हैं ना, वो अपने कदमों का निशान भी छोड़ जाते हैं। यहाँ तुम गलती कर गए मुर्तजा, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। पीछे तुम अपने ख्वाबों के थी, जहां तुम मेरा हाथ छुड़ा के रास्ते में छोड़ गए थे मुझे। अब मैं तुम्हारा ताकुब करके क्या करूंगी? सिर्फ अपना वक्त जाया करोगे और कुछ? क्या राइट? लेकिन एक बात याद रखना, हम एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले और एक ही गली में रहते हैं। आमना सामना तो होता ही रहेगा, तो फिर नजरें चुरा के भागना कैसे? जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुमने अपनी मर्जी से लिया था ना, तो अब घबराहट कैसे फेस करो? सब कुछ इतना आसान नहीं रहता, तुम समझ रही हो? ऐसे एक एडवाइस है मेरी तुम्हारे लिए, शादी कर लो, ये सब कुछ भूल जाओगे। जैसे तुम भूल गए थे। शादी तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन उस दिन जिस दिन मुझे तुम्हें भूल जाने का यकीन हो जाएगा, उस दिन कोई भी फैसला मैं दिल से नहीं करूंगी, और ना ही कोई मुझे उसके लिए मजबूर कर सकता है। तुम देखना, जिस दिन मैंने किसी से नाता जोड़ लिया ना, उस दिन इस बात का सबूत होगा कि नूर तुम्हें भूल चुकी है। और हाँ, रास्तों का तायुन मुमकिन नहीं होता, आमना सामना तो होता रहेगा हमारा। तो इस तल्ख हकीकत को तुम जितनी जल्दी हो सके कबूल करो।